होलिका उत्सव ऋषियों की बहुत ऊंची खोज है, वसंत उत्सव। वसंत के मौसम के बाद सूर्य के सीधे किरण धरती पे पड़ते, धरती पे गर्मी ज्यादा होती, हमारी त्वचा पर उसकी कहीं बुरी असर की झपेट न लग जाए, इसलिए हमारे शरीर में जो सप्त धातु हैं उनके भी अपने रंग हैं। सूर्य के किरणों में जो सात रंग हैं उनको समान करने के लिए केसूड़े के फूलों का रंग हमारे रोमकूप पे पड़े तो हमारे में गर्मी झेलने की क्षमता और मान अपमान या मानसिक दुख झेलने की क्षमताएं बढ़ती है। इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होली का उत्सव का आयोजन ऋषियों ने किया था, लेकिन समय के फेर से केमिकल के रंगों से जो श्वास के द्वारा फेफड़ों को खराब करे, हमारी आँखों को, त्वचा को खराब करे, और वे केमिकल के रंग हमारे सप्त धातुओं के रंग में विक्षेप पैदा करे, ऐसी होली का लोग खेलने लग गए। अपने आश्रम के तरफ से फिर प्राचीन ऋषि पद्धति से होली का उत्सव शुरू किया गया और केसूड़े के फूल मंगवा कर दो तीन चार दिन पहले उनकी बराबर व्यवस्था करके फिर बड़ा टैंक, कई बड़े टैंक बना लेते लिए जाते हैं, उसमें थोड़ी बर्फ़ भी डाल दी जाती है और मोटर पंप का उपयोग करके केसूड़े के फूलों के रंग से होली खेली जाती है। हजारों, कई हजार लोग होते हैं, 60,000 के, 80,000 के, लाख कितने होते, 1.5 लाख, और वे लोग साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उन लोगों के जीवन में गर्मी झेलने की क्षमता और मन के धक्के झेलने की क्षमता ज़्यादा पाई गई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी आने वाली होली अथवा अभी मौका मिल जाए, अभी वसंत ऋतु चल रही है, तो थोड़ा सा केसूड़े के पुष्प मंगा लेना सूखे, उसका रंग लेके जरा हाथ पैरों को थोड़ा घुमा देना, जिससे भी फायदा हो सकता है। ऐसे ही मैंने देखा कि गर्मियों के दिनों में होली ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है, मार्च महीने की पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तित हो जाएगी, ठंडी चली जाएगी और सूर्य नारायण का तीखे किरण धरती पे पड़ेंगे, तो हमारे शरीर में जो नाड़ियों में कफ जमा है आज सप्त रंग और सप्त धातु, उसमें थोड़ी सी उथल पाथल होने लगेगी। ऋषियों ने खोज लिया कि उथल पाथल होने के दिन है तो केसूड़े के पलाश के फूल लेकर उसका रंग बनाकर एक दूसरे को लगाएं तो पलाश के फूलों के रंग शरीर पर लगेगा, तो रोमकूप के द्वारा हमारे सप्त रंगों को संतुलित करने की व्यवस्था होती है, इसलिए होली मनाई गई। सुगंधित द्रव्य और पलाश के फूलों से होली खेलने की परंपरा चली। अब समय बदलता गया और विकृति आ गई और केमिकल के रंग लगाने लगे, तो जिन देशों में पलाश के फूलों से होली खेलते उन देशों के लोगों में इतनी मानसिक असंतुलनता नहीं होती, इतना हाई बीपी, इतना हार्ट अटैक, इतना सुसाइड, इतनी अशांति नहीं होती जितना इसका उपयोग नहीं करने वालों के जीवन में होती। तो मैंने शुरू कर दिया कि पलाश के फूल मंगाए 100-200 किलो और उसका रंग बनाए और लोगों को छांटा और लोगों को सुख शांति मिला। बम्बई एयरपोर्ट का मैनेजर मेरे आगे पीछे सेवा में लगा, मैं क्या क्या बात है, बोले मेरे पिताजी आए थे और उनको ये बीमारी थी और आपने होली में ऐसा रंग लगाया, उनको स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी और ये सब ठीक हो गया, नींद अच्छी आती है। अब मेरे को तो पता भी नहीं कि ऋषि परंपरा में कैसा गुण छुपा है, अभी तो लाखों लोग आते हैं और फिर वो है फायर ब्रिगेड की मशीनें वशीने लेके बड़े व्यापक ढंग से हम होली खेलते, तो खेलना क्या है, लोगों का मंगल का भाव आ गया तो यंत्र भी आ गए, साधन भी आ गए, लाखों आदमी को आधा घंटे में केसूड़े के फूलों से रंग डालते हम। तो अभी जो होली आएगी उन दिनों में आप ये बाजारू रंगों से होली नहीं खेलना, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ये केमिकल के रंग आपके रोमकूपों को छूकर आपके अंदर जो सप्त रंग है, सप्त धातु है, उनको और विचलित करेंगे, लेकिन केसूड़े के फूलों से आप होली खेलें, नहीं तो मैं देखता हूँ बाजार में कैसे केसूड़े के फूल मिल जाते हैं तो कोई समिति को काम सौंपूंगा, रुपये रुपये, दो दो रुपये, पाँच पाँच रुपये का पैकेट बना ले, फिर आप घर में ही घोल बना के थोड़ा शरीर को मल डालिए, थोड़ा सा हाथ पैरों को मल डालिए, 10-15-20 मिनट बस हो गया काम होली के दिनों में, तो आपका सप्त रंग सप्त धातु संतुलित रहेगा।
आप जरा जरा बात में अशांत नहीं होंगे, उद्विग्न नहीं होंगे, संतुलन बना रहेगा। तो जो सप्त रंगों के द्वारा रोग मिटाए जाते हैं, सप्त धातुओं को संतुलित करके रोग मिटाए जाते हैं, और वे सप्त रंग और सप्त धातु फिर आयुर्वेदिक ढंग से देखो तो वात का फलाना फलाना रंग होता है, पित्त का फलाना फलाना होता है, कफ का फलाना, वो तीनों में ये सात रंग आ जाते हैं। होम्योपैथी वाले भी इस विधि के अनुसार भी इलाज करते हैं।